नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसका गुरु बालू डोकरे हुआ करता था, जिसने अबू सालेम पर जेल में हमला किया। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं देवेंद्र जगताप उर्फ जेडी की। जब छोटा राजन दाऊद से अलग हो गया था तो देवेंद्र जगताप ने एक एक कर मुंबई ब्लास्ट में शामिल लोगों को मारने का काम शुरू कर दिया था। देवेंद्र जगताप उर्फ जेडी छोटा राजन के लिए काम किया करता था। देवेंद्र जगताप मुंबई के चेंबूर इलाके का रहने वाला था। वो देखने में किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लगता था। वो 12वीं कक्षा तक ही पढ़ा। उसके पिता का नाम बाबू राव जगताप है। उसके पिता एडवोकेट थे। उसके पिता चाहते थे कि देवेंद्र जगताप एक बड़ा वकील बने, मगर 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बालू डोकरे के संपर्क में आ जाता है। ये वो दौर था जब बालू डोकरे छोटा राजन का खासम खास शूटर माना जाता था। उसके साथ मिलकर देवेंद्र जगताप ने छोटे मोटे क्राइम करने शुरू कर दिए। 2010 में जब मुंबई ब्लास्ट में शामिल लोगों पर अंडर ट्रायल्स की ट्रायल चल रही थी तो इंडियन मुजाहिदीन के और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के लोगों की पकड़ मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस ने करनी शुरू कर दी थी। जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते थे उन लोगों का केस एक जमात उलेमा-ए-हिंद लड़ने लगी थी। उलेमा-ए-हिंद की तरफ से शाहिद आजमी काम किया करता था। कुरला में उसका ऑफिस हुआ करता था। 17 साल की उम्र में शाहिद आजमी को अनलो एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत पकड़ लिया गया था। 5 साल शाहिद ने दिल्ली तिहाड़ जेल में सजा काटी। कहते हैं जेल से बाहर आने के बाद उसने वकील बनने का फैसला लिया। कई सालों की मेहनत के बाद वो वकील भी बन जाता है। वो गरीबों की मदद करता और अपने दूसरे क्लाइंट्स के भी केसेस लड़ा करता। शाहिद आजमी की छोटा राजन को ये बात अच्छी नहीं लगी। इसके बाद 3 लोग शाहिद आजमी के ऑफिस आते हैं और उसको गोली मार कर फरार हो जाते हैं। उस मर्डर में देवेंद्र जगताप को पकड़ लिया गया। उस पर लंबे समय तक केस चला, मगर सबूत ना होने के चलते कोर्ट उसको बरी कर देती है। कहते हैं जब बालू डोकरे और छोटा राजन में बिगड़ गई थी तो देवेंद्र जगताप ने बालू डोकरे के साथ जाना जरूरी समझा। बालू डोकरे के कहने पर जेडी ने गैंग को चलाना शुरू कर दिया। उसने कई वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। एक कत्ल केस में फरार चल रहा था तो पुलिस ने उसको वांटेड घोषित कर दिया था। पुलिस उसको जल्द गिरफ्तार भी कर लेती है। कहते हैं जब जेडी एक कत्ल केस में आधारवाड़ी कॉम्प्लेक्स जेल में बंद था तो जेल के सुपरिटेंडेंट को पता चलता है कि उस एरिया के बैरक में मोबाइल का यूज हो रहा है, तो वहां के सभी बैरक की तलाशी ली जाती है, मगर किसी को फोन नहीं मिलता। थोड़े समय बाद फिर अचानक से तलाशी लेनी शुरू की गई। जब पुलिस देवेंद्र जगताप के सेल में तलाशी लेने पहुंची तो पुलिस की नजर नल के पास जाती है। नल के पास में पुलिस को एक टाइल का पीस हिला हुआ लगा। जेल सुपरिटेंडेंट को शक हुआ। जब टाइल को हटाया गया तो कम से कम उसके पीछे 1 फीट का गड्ढा था। जब गड्ढे को साफ किया गया तो कहते हैं उसमें से एक मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड्स और 2 से 3 बैटरीज मिली थी। उस सब को प्लास्टिक की थैली में बांध कर रखा गया था। उस पर इसको लेकर भी केस रजिस्टर्ड हुआ। आधारवाड़ी कल्याण जेल से उसको तलौजा जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसी जेल में अबू सालेम भी था। छोटा शकील अबू सालेम को तलौजा जेल में मारना चाहता था। अबू सालेम को तलौजा जेल में आर्थरोड जेल में हमला होने के बाद शिफ्ट किया गया था। अबू सालेम तलौजा जेल में आर्थरोड जेल से ज्यादा सेफ था। छोटा शकील के लोग जेल में देवेंद्र जगताप से बात करते हैं और देवेंद्र जगताप को एक फोन नंबर दिया जाता है। वो लोग जेडी को कहते हैं कि हॉस्पिटल जाकर उस नंबर पर कॉल जरूर करना, ये राजू भाई का नंबर है। जब किसी इंसिडेंट के चलते जेडी को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ उसके बचपन का दोस्त उससे मिलने आता था। उस दोस्त के हाथों कुछ लोगों ने फोन भिजवाया, उसे कहा कि देवेंद्र से राजू भाई बात करना चाहते हैं। हॉस्पिटल में सख्ताई भी बहुत थी, वहाँ बात करना बहुत मुश्किल था। तो कोर्ट हियरिंग के दौरान देवेंद्र के दोस्त ने उसकी बात करवाई। राजू नाम का शख्स कहता है वो छोटा शकील के बिहाफ पर उससे बात कर रहा है।
देवेंद्र जगताप उर्फ जेडी को वो आदमी ये भी कहता है कि अगर वो उनकी गैंग के लिए काम करेगा तो उसका नाम अंडरवर्ल्ड में तो होगा ही होगा, साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए भी उसको दिए जाएंगे। ये वो समय था जब बालू डोकरे का हाथ देवेंद्र जगताप के ऊपर से जा चुका था। बालू डोकरे की मौत हो चुकी थी। इसी दिन का देवेंद्र जगताप को इंतजार था। वो चाहता था उसकी सपोर्ट में पीछे कोई हो जिससे वो अपने काम दोबारा शुरू कर सके। देवेंद्र जगताप का बचपन का दोस्त राजू के टच में आ जाता है। एक दिन देवेंद्र जगताप का बचपन का दोस्त देवेंद्र से मिलने जेल में जाता है। वहां फोन पर देवेंद्र की बात करवाई गई। इस बार फोन पर छोटा शकील था। छोटा शकील ने जेडी को कहा था कि तुमको अच्छा खासा पैसा दिया जाएगा और तुम्हारा रुतबा डी कंपनी में वैसा होगा जैसा फिरोज कोंकणी का हुआ करता था। ये बात जेडी ने खुद पुलिस को बताई थी। कहते हैं जेडी के बचपन के दोस्त की मदद से छोटा शकील ने कई बार 4 से 5 लाख रुपए जेडी के पास पहुंचवाए। जल्द ही राजू और जेडी के दोस्त ने जेल सुपरिटेंडेंट के रूम में जेडी से मिलकर बात की। कहते हैं जेल से बाहर किसी ने जेडी के दोस्त की तलाशी नहीं ली थी, ये खुद उसी के दोस्त ने कबूला है। उसके पास एक डब्बा था, उस डब्बे में हथियार था। अंदर जेल में जाकर देवेंद्र के दोस्त को एक जगह दिखाई गई और कहा कि इस डब्बे को जेल की दीवार पर से फेंक देना और हमारा आदमी उसको उठा लेगा। डब्बे में एक देसी लोडेड कट्टा था। जेल के कंपाउंड में एक गड्ढा खोदकर देवेंद्र जगताप ने हथियार को दबा दिया। वो हथियार जेडी को अबू सालेम को ठोकने के लिए दिया गया था। जब मौका मिला तो देवेंद्र जगताप ने अबू सालेम पर 2 गोलियां चला दी, मगर अबू सालेम बच जाता है। एक गोली अबू सालेम के हाथ में लगती है। अबू सालेम वहां से किसी तरह बच निकलता है। जेडी पर एक केस और दर्ज कर दिया गया। जब देवेंद्र जगताप को कोर्ट लेकर जाया जा रहा था तो कहते हैं राजू और उसका बचपन का दोस्त जेडी को पुलिस से छुड़वाकर भगाने की फिराक में थे। राजू और उसका दोस्त हथियार से हमला कर देवेंद्र को छुड़वाने की कोशिश करते हैं, मगर कोर्टरूम की सीढ़ियों पर ही दोनों को पुलिस धर दबोचती है। वहीं तीसरा केस और देवेंद्र जगताप पर दर्ज हो जाता है। 2021 में कोरोना के दौरान कैदियों को टेम्परेरी पैरोल पर घर भेज गया था और कहा था जब हालात ठीक हो जाएंगे तो वापिस आ जाना। देवेंद्र जगताप ने भी अपने वकील के थ्रू एप्लीकेशन लिख कर दी थी, लेकिन जेल प्रशासन ने उसकी उस अर्जी को खारिज कर दिया। इसके बाद उसने सेशन कोर्ट में अपील की कि उसको भी जेल में कोरोना से खतरा है, मगर कोर्ट के आदेश के चलते उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उस पर मर्डर केस दर्ज थे। तो दोस्तों ये थी देवेंद्र जगताप उर्फ जेडी की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।